पीटीआई कोर कमेटी अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़रा के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान की जानिब से टिकटों की तकसीम के हवाले से शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। एक उम्मीदवार को टिकट देने पर मिशाल यूसुफ जई ने तनकीद की। शहबाज गिल ने भी कानूनी टीम और वकला को तनकीद का निशाना बनाया। कोर कमेटी के सामने अलीमा खान के लिए बानी चेयरमैन का पैगाम भी रखा गया। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया, किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए अलीमा खान का कोई किरदार नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातों की फहरिस्त पर भी शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर अपना नाम क्यों दे आए? अब जो नाम कोर कमेटी देगी वही अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। कोर कमेटी मेंबरान का कहना था, बानी पीटीआई की बात ठीक से कमेटी तक नहीं पहुँचाई जा रही। पीटीआई कोर कमेटी अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़रा के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान की जानिब से टिकटों की तकसीम के हवाले से शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। एक उम्मीदवार को टिकट देने पर मिशाल यूसुफ जई ने तनकीद की। शहबाज गिल ने भी कानूनी टीम और वकला को तनकीद का निशाना बनाया। कोर कमेटी के सामने अलीमा खान के लिए बानी चेयरमैन का पैगाम भी रखा गया। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया, किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए अलीमा खान का कोई किरदार नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातों की फहरिस्त पर भी शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर अपना नाम क्यों दे आए? अब जो नाम कोर कमेटी देगी वही अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। कोर कमेटी मेंबरान का कहना था, बानी पीटीआई की बात ठीक से कमेटी तक नहीं पहुँचाई जा रही।